सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आलोक केक एंड मास्टर में। सो गाइस, आज मैं बना रहा हूँ स्ट्रॉबेरी केक, और स्ट्रॉबेरी केक ये बहुत अमेजिंग केक होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सो गाइस, ये जो केक मैं बना रहा हूँ स्ट्रॉबेरी केक है, और इसको मतलब खास ऑर्डर पे बना रहा हूँ। और ये केक आया था दोस्तों कुछ न्यू डिज़ाइन में, और बोला था कि अपने मन से कुछ न्यू डिज़ाइन बनाइए। तो मैंने सोचा कि कुछ न्यू डिज़ाइन बनानी है, तो चलो ठीक है, अपने मन से मैं काफ़ी एक नई डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो कोई भी पसंद आया करो ना, तो उस पर कमेंट ज़रूर किया करो। भले ही आप चैनल को ना सब्सक्राइब करो और ना लाइक करो, लेकिन कमेंट किया करो कि ये वीडियो कैसे बनी है। दोस्तों, कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा ये मोटिवेशन होता है कि मेरी वीडियो ये मुझे बनाने में थोड़ा और मन लगता है दूसरी वीडियो, और मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझसे ये केक सही बना है, ये वीडियो में से सही बनी है। सो दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो दोस्तों, ऐसे में थोड़ी सी गनास लगाया है और एक दो फूल रख देता हूँ, और जो कि व्हाइट फूल। दोस्तों, उन्होंने बोला था कि तो कुछ है, केक हटके होना चाहिए, काफ़ी हटके होना चाहिए। सो दोस्तों, मैं काफ़ी हटके केक बनाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी हद तक पसंद आएगी दोस्तों। और ये केक ऐसे में मेरा केक बन के रेडी हो गया है, और मैंने पत्ती मार दी, छोटी छोटी सी पत्ती मारता हूँ। और ये होता है कि हमें तो देखने में बहुत अच्छा केक लगता है, बहुत अच्छा, काफ़ी ब्यूटीफुल। और लास्ट में इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। और दोस्तों, बॉर्डर लगाता हूँ कौन सा, जो जिस कलर से मैंने फूल बनाया है इसका ना, सेम वही कलर से मैंने बॉर्डर लगा दिया है, और आप केक का लुक बहुत अच्छा लगना था। और ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप लगा देता हूँ। ड्रॉप से ये होता है, एक साइड में अपनी गार्निश हो जाएगी, और दूसरे साइड में जो ड्रॉप लगता है, इसकी लुक बहुत अच्छी लगती हो। और मैं फिर इस पर एलो जेली से थोड़ा थोड़ा ट्रिप कर देता हूँ, और ये केक बनकर बिल्कुल शानदार रेडी हो गया दोस्तों, और देखने में बहुत ब्यूटीफुल। और ये दूसरा केक है, जो केक है वनीला केक है, और वनीला केक है ये भी कुछ हटके ही होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो केक है, केक बनाने के बाद में मैंने एक जेली मारती हूँ ऊपर से। जेली मारने के बाद में मैं इसको एक ऐसे से कोशिश करता हूँ बनाने की। काफ़ी दोस्तों, ऐसे में ये होता ना कि काफ़ी केक मतलब ज़्यादा लुकिंग हो जाता है, किसी भी साइड कर दो तो साइड में ज़्यादा लुकिंग बनता है, केक देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो दोस्तों, ऐसे में इस पर इसके ऊपर मैंने ब्लैक जेली लगा दी है, और जेली लगाने के बाद में मैं ऊपर से भी बॉर्डर लगाऊंगा, और वही नोजल सेम नीचे से बॉर्डर लगा दूँगा। दोस्तों, ऐसे में ये होता है, ये बॉर्डर दोनों जब सेम होते हैं तो बीच का लेयर देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और गार्निश की बात किया जाए तो गार्निश वही लगाऊँगा जो पहले वाले केक में मैं लगा चुका हूँ, सेम वही गार्निश लगाऊँगा। और दोस्तों, इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी रख देता हूँ, और स्ट्रॉबेरी रखने के बाद में केक बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा दोस्तों, और ये केक बनके रेडी हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।